अब आया है तुम्हारा निरंजन। रात मेला था ना? हाँ? अभी बाल बच्चे नहीं हुए तभी तो मेले ठेले में घूमता फिरता है। इनके ब्याह को 5 बरस होने को आए ना, फिर भी हमारे भाग में पोता देखना ना हुआ। बस रहने दो, लाज नहीं आती, पोता भी हो जाएगा। कहते नहीं सज पके सो मीठा। नहीं माँ। ओ तुम जगा दे। अच्छा मैं तो पहले ही उठी हुई हूँ माली। रामू, अरे रामू, सूरज चढ़े उठेगा क्या? ले अब उठ बैठ। माँ तू तो सोने भी नहीं देती। माँ का बच्चा अब तू दूध पीता बालक नहीं है जो पड़ा सोता रहे। हर बरस ब्याह टल जाता है, नहीं तो अब तक कई बच्चों का बाप होता। क्या माँ, तू मैं भी उठता हूँ। उठ भी जा, लक्ष्मी कब से तेरी बात देख रही होगी। लक्ष्मी लक्ष्मी आज तू कितनी सुंदर दिखाई देती है। दो और ये खा लो। तुम्हारा बस चले तो भात की जगह तंबाकू ही खाया करो। खाता हूँ भगवान, पर तू तो मेरा भेजा ना खा। अले रमजान की आजान का वक्त भी आ गया। हाँ रमजान दादा आप बैठो, नमाज पढ़ाए। हाँ।
अरे बहू, तेरा कभी इमली खाने को भी नहीं चाहता? नहीं। सौ बार तो कह दिया, नहीं नहीं नहीं। सुना तुमने रमजान दादा, जब मैं कभी यही बात छेड़ू तो कहती है तुम्हें लाज नहीं आती, मगर आप पोता खिलाने के लिए मरी जा रही है। रोज बहू से पूछती है तेरा इमली खाने को जी नहीं चाहता, तू कच्ची कैरियों की चटनी नहीं खाएगी? ले रे माखन बेटा। ले कालू बेटा, देखो जी अपनी माँ को समझा लो, उसने आज फिर वही इमली वाली बात कही। मैंने लाख बार कह दिया मुझे इमली नहीं भाती, नहीं भाती, नहीं भाती, फिर वो क्यों हर वक्त मुझे छेड़ती है? और ये इमली का पेड़, जब भी मैं आंगन में से आती हूँ ये इमली जरूर टूट कर मेरे सर पर गिरती है। सच कहती हूँ, एक दिन अगर गुस्सा आ गया तो इसे जड़ से काट दूंगी। ऐसा ना कीजो, आज नहीं तो कल इमली तो किसी न किसी को खानी ही पड़ेगी, तू ना सही कोई और सही। तो यूं कहो मेरे ऊपर सुलाने की बात हो रही है, लाओ तो सही ब्याह के, फिर देखना तुम्हारा उसका और अपना तीनों का क्या हाल। अरे अरे, मैं तुम्हारी सौकन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी भागत की कर रहा हूँ। तीन बरस से रामू की सगाई हुई हुई है, क्या उसका ब्याह ना होगा? रमजान, तुम तो जानते ही हो कि लड़की वालों के वहाँ कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है। हाँ हाँ, वो मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी भाई तुम्हें अपनी तरफ से जल्दी तो करनी चाहिए। अब की फसल कट जाए तो जरूर हो जाएगी। रामू, रे रामू। हाँ बाबा। इधर है, आज खेत पर न जा तू, जरा छत पर नया फूस डालकर ठीक ठाक कर ले, बरसात आने वाली है ना? कहाँ आने वाली है? अरे जो मैं कहता हूँ तू वही कर, जा जा अपना काम देख जा। क्या है जो इतना खुश खुश भागा जा रहा है? मोती, एक बात तो बता, तुम कभी नदी पार के गांव रामनगर गई हो? यूं क्यों नहीं कहता कि रामनगर की राधिका को कभी देखा? तो फिर बताओ ना। व्यक्ति तो बड़ी अच्छी है बेचारी, मगर शक्ल सूरत, सर शक्ल सूरत भी अच्छी, बहुत अच्छी, मगर एक आंख उसकी जरा छोटी है और दूसरी बड़ी। मैं तो तुझे छे, वो इतनी सुंदर है कि तू उसे देखेगा तो रीझ ही तो जाएगा। हटाओ भी बहुत देखे, कब खुदा की मेहरबानी होती है। मन मुखिया, 10 रुपए मन, माया बह रही है, बेचो मुखिया बेचो, इतने ऊंचे दाम फिर कभी ना मिलेंगे।
10 रुपए मन, बेचो मुखिया बेचो। 10 रुपए? फिर तो रामू के बिया में 100 आदमियों को खाना खिलाऊंगा। 100 को? 10 रुपए मन, बेचो बाबा बेचो। पागल हो गया है? जानता नहीं हमने महाजन से दादन ले रखा है। महाजन? बारह रुपए मुखिया, 12 रुपए। 12 रुपए? तब तो मैं 50 आदमियों को बुला ही सकूंगा। क्या करते हो बाबा, सब बेच डालोगे तो साल भर खाओगे क्या? जब भाव गिरेगा फिर खरीद लेंगे। यही तो मैं भी कहता हूँ, ऊंचे दामों बेचो और जब भाव गिर जाए सस्ते दामों खरीदो। हाँ मैं सब जानता हूँ, और अगर भाव नहीं गिरा तो? मैंने तो बेच दिया मुखिया, अल्लाह मालिक। अच्छी फसल हो और मैं 20 आदमियों को भी ठीक से खाना न खिला सकूं। कौन जानता था मुखिया कि हर चीज के दाम दुगने तिगने हो जाएंगे। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। खुशी का मौका है, ऐसी बातें मत करो। अगली फसल अच्छी हो जाए तो जितने मेहमान चाहो बुला लेना। रामू भैया शर्माते नहीं, भाभी से डरते हैं। अच्छा। अरे जा भी यार, शर्माता क्यों है? सुना तुमने दादी का, अजीज क्या कहता है? जरा कोई अपनी बीवी से भी शर्माया करता? शादी का जरा घूंघट तो उठाओ। राधिका, राधिका, तो छोड़ दे। कालीधन महाजन से एक धड़ी 20 धन लिया। हमारे पास जो कुछ था वो तो खत्म हो गया। कह दीजो दाम फसल पर मिलेंगे। अच्छा बाबा। देख लेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, यही कहेंगे कि रामू अपनी बीवी को छेड़ रहा है, किसी दूसरे की औरत को तो नहीं छेड़ता। अच्छा ये तो बता, तू चुपकी क्यों बैठी थी? किसी ने कुछ कहा है क्या? तो घर वाले याद आ रहे हैं? तो तू हमारे घर आकर खुश नहीं हुई? तो फिर तू चुप चुप क्यों रहती है? सुना है ब्याह से पहले तो तू इतना अच्छा गाया नाचा करती थी, अब तो तू हंसती बोलती भी नहीं। डर क्यों लगता है? किससे? सासू माँ जी से, दीदी से, सबसे। चल इसी बात पे तुझे मेले के सैर करा लाऊं। किसी ने देख लिया तो? अरे चुपके से चलिया, फिक्र ना कर।
धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो। यही माटी में जियन हमरो, यही में मरन है भैया। यही सगरी पूंजी, यही है हमरो धन है भैया। हो जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो। गोद में तोरी सुख के सागर खेलत मैया। यही में सोना उपजे, यही में बरसे अमृत मैया। अब मैया वरदान से तोरे संग जियेंगे संग मरेंगे। तोरी छाती से अत्याचारी को दूर करेंगे। हो जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो। छोटी बहू एक दिन सारे कुटुंब की लाज को बट्टा ना लगा दे तो मेरा नाम बिनोदनी नहीं। चल बैठ अपने कमरे में। महाजन, अभी तो फसल पर तुमने हमसे यही धान 10 रुपए मन के भाव लिए हैं, अब हमारे हाथ 22 रुपए मन बेच रहे हो। बाप रे बाप, छोकरे की तबान तो देखो, लेना है तो इसी भाव से ले जाओ, नहीं तो 2-4 दिन में इस मोल भी नहीं मिलेगा। बाप रे बाप, धान आजकल है का? 2-4 मन चावल पुराने ग्राहकों के लिए रख छोड़े हैं। तुम समंदर प्रधान के लड़के हो, इसलिए तुम्हें भी एक धड़ी दे रहा हूं। अरे दासो, एक धड़ी धान निकाल दे। जरा देख के अच्छे अच्छे धान देना। देता हूं देता हूं, तुम बाहर बैठो ना। तुम तो कहते थे कुल 2-4 मन है, यहाँ तो 2100 मन भरा हुआ है। वो किसान सभा का आदमी ठीक कहता था, आखिर दिन चावल का करोगे क्या? तुम्हें किसने कहा था गोलाघर में जाके ताक झक करने को? अंदर तो भूसा भरा हुआ है भूसा। आजकल चावल कहाँ मिलता है? ए चल रे, जल्दी कर, बेचारे को देर हो रही है। क्या पैसे नकद दोगे या खाते में लिखूं? खाते ही में लिखो, पैसे हमारे पास कहाँ हैं? रामू समुद्र प्रधान, 11 रुपया सील, 4 रुपये ब्याज के, 2 रुपये नजराने के, कुल 19 रुपये। लो भाई अंगूठा लगाओ। माँ, बड़ी भूख लगी है। धान ले आए? हाँ बाबा। कितने मिले? एक धड़ी, बड़ी मुश्किल से, वो भी 22 रुपए मन। 22 रुपए मन? हाँ 22 रुपए।
क्यों, तुम सबने खा लिया? हाँ हम सब ने तो खा लिया, कब तक तुम्हारी बात देखते? माँ क्या उसने भी खा लिया? राधिका को आज खाने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्या हुआ? उसे खाने की क्या जरूरत है, वो तो दिन भर खूब खा पी कर आई है। हाँ हाँ, ना जाने कहाँ सारा दिन फिर कर आई है, और आई भी तो पान खाए चूड़ियाँ पहने। तो उसने बताया नहीं कहाँ गई थी? बताने की जगह होती तो बताती, वो तो ना जाने। बेसोचे समझे, इसी बात मुझसे ना निकाल। रामू जाने, उसकी बहू जाने, तू क्यों बीच में बोलती है? हाँ हाँ, तुम भी उसी का साथ दो, मैं ही कल मुँह ही हूँ। देख रामू, अभी से तूने ढील दी तो आगे जाकर ना जाने क्या होगा। आज इसने पहली बार ऐसी बात की है, तू ऐसी खबर ले कि फिर हिम्मत ना पड़े घर से निकलने की। माँ तू फिक्र ना कर, मैं अभी सीधा किए देता हूँ। खाना तो खा ले। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बड़ी राय कहीं की, अब पता चलेगा। तू चुप रह, जा बैठ अपना काम कर। बड़े बूढ़ों ने सच कहा और अब तक कभी भरोसा ना करो। जरा मैं घर से बाहर गया और तू चली गुलशर्रे उड़ाने। डोरी कहाँ गई थी? तूने कह क्यों ना दिया कि मेरे साथ गई थी? ये भी कोई कहने की बात थी? कहने की बात थी, ये क्या करती हूँ? जवाब देती है, अभी से ये लक्ष्य नहीं तो आगे चलकर क्या होगा? खैर तो जा, जिन पैरों से तू बाहर गई थी वो पैर ही तोड़ दूंगा। ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद करेगी। रो राधिका रो। अच्छा तो तू यूं नहीं मारेगी, सारी बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी, अब मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? बोल, जवाब दे, बोल, जवाब क्यों नहीं देती? हाँ माँ, बोल। अच्छा माँ तू कहती है तो मैं छोड़ देता हूँ। राधिका तू सोई नहीं? नहीं। क्यों, क्या माँ और बहुती का कहना बुरा लगा? नहीं। फिर नींद क्यों नहीं आती? भूख तो लगी। अरे मैंने भी तो कुछ नहीं खाया, मैं भी कहूँ मुझे नींद क्यों नहीं आती। अच्छा तो ठहर, मैं भी आया। बड़ी पगली है, ये किताब मांग लाई, भला तू क्या करेगी इसका? पढ़ूंगी। पढ़ूंगी, पढ़ना आता भी है? तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगी। मुझे खुद कब आता है? तो तुम किसी से पढ़ो और घर आकर मुझे पढ़ाओ। मैंने सुना है किताबों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। होती होंगी, मगर यहाँ तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं। हाँ दयाल काका है, उनकी पाठशाला थी लेकिन वो तो बंद हो चुकी। अच्छा तू पहले खा तो, ये फिर देखा जाएगा। पहले तुम ले ले। विद्यापति कहे प्राण जुरैत लाख न मिल लएक। विद्यापति कहे प्राण, विद्यापति कहे, कवि विद्यापति के मित्र तो राजे महाराजे थे, और तुम्हारा कौन है कुछ पता है? कल के लिए घर में कुछ भी नहीं है, न दाल न चावल न कुछ। कुछ भी नहीं? बाबा बाबा कोई कुंडी खटखटा रहा है। महाजन होगा बेटा, कह दे मैं मकान में नहीं हूँ। कह दूँ? बाबा कहते हैं मैं घर पर नहीं हूँ। तुम और बच्चे से झूठ बुलवाओ, क्या ये भी होना था? गरीबी सब कुछ भुला देती है।
ठहरो भाई ठहरो ठहरो, मैं अभी आया। पर तू कौन है भाई? रामू। आ बेटा अंदर आ जा। अरे ये तो अपना रामू है, मुखिया का बेटा। धीरे बोलो त्याल काका, मेरा नाम जोर से ना लो। अरे हुआ क्या, क्या चोरी करके आया है? दयाल काका किसी से कहना नहीं। पर कुछ कहेगा भी, हुआ क्या? मुझे लिखना पढ़ना सिखा दो दयाल काका, पाठशाला तो बंद हो चुकी। तमस मा ज्योतिर्गमय, अ आ ई उ उ, आ आ ई उ उ, आ आ ई उ उ, प पा पते पेड़, पा पासे पेड़, जैसे हमारे आंगन में इमली का पेड़, पासे पेड़ पासे पगड़ी, राधिका पासे वो भी तो पुस्तक, पुस्तक नहीं पगड़ी, प्रेम। वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता। यूं कहो अब तो लिखने पढ़ने का भी रोग लग गया है, जब भी तो घर के काम काज में जी नहीं लगता। दीदी मैं तो की बच्ची, देखूं तो मैं कौन सी गीता रामायण का पाठ हो रहा था। देख लो बहुदी, किताब पढ़ती है किताब। सच कहती हूँ, मुझसे खुद विनोदनी दीदी ने कहा। सुना तुमने? हाँ सुना है, रामू की बहू किताब पढ़ती है। रामू की बहू किताब पढ़ती है और रामू की माँ कुछ नहीं कहती? राधिका, अरे ओ राधिका, क्यों रे तू क्या कर रही है यहाँ? इमली खा रही हूँ। इमली खा रही है, तुझे भाती है? हाँ दो चार दिन से अच्छी लगने लगी है। सच? अरे सच कही हो, तुझे भगवान की सौगंध। हे भगवान, आज तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं। बड़ी बहू शंख बजाओ, लड़का हुआ है लड़का। क्या कहा रामू के माले? सुना तुमने विनोद? सुन लिया। लड़का हुआ को तो देखो, सात दिन हो गए एक पल को भी नहीं रुकी। हाँ आसमान का रंग अच्छा नहीं है। मैंने सुना है भगवान के पास दमोदर का बंध टूट गया है, तब तो पानी इधर भी आएगा।
क्या कहूँ आजिश की माँ, मेरा भाग ही खोटा है। बरसों के बाद पोते का मुंह देखना नसीब हुआ। आज उसकी षष्ठी पूजा का दिन है, लेकिन विधवा पुरुष को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं। मुझसे पूछो तो तुम्हारे पोते के लक्षण ही अशुभ हैं। जब से राधिका को गर्भ ठहरा है, घर पर कोई ना कोई आफत आती ही रहती है। बैल और गाड़ी सरकार ने जब्ती कर लिए, नदी में नाव न रही, और अब घर में खाने का भी टोटा पड़ गया है। चुप रह कालमुनि, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। हे भगवान, कहीं से मुट्ठी भर चावल ही मिल जाता। प्रधान दयाल दादा, आओ आओ दयाल दादा, आओ बैठो। तंबाकू पियोगे? हाँ। तंबाकू? तंबाकू अब क्या पियूंगा। क्यों, क्या बात है? मैं तुम्हारे पास आया था मुखिया। हाँ हाँ, करो भाई करो। रंगा की माँ अब चार दिन से बीमार है। मैं उसे कुछ भी न दे सका, बच्चा भी भूखा है। तुम अगर थोड़े से चावल दे सकते, वो बेचारी तो कुछ भी नहीं कहती। क्या कहूँ दयाल दादा, सच बात ये है कि हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो फिर मैं जाऊं, गंगा की माँ के लिए क्या चार दाने भी नहीं मिलेंगे? तो क्या विधाता पुरुष को कुछ ना चढ़ रहा जाएगा? क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, मानो आसमान फट पड़ेगा। कुछ भी नहीं मिला बाबा, सब दुकानों पर ताले पड़े। कुछ भी नहीं मिला, पूजा कैसे होगी? लो बहन, इतना ही था हमारे यहाँ। धन्य हो बहन, अब पूजा हो जाएगी। आधा चावल दाल को दे दो। इतना ही तो है। आधा चावल दाल को दे दो। रंगा की माँ की जान बच जाएगी। ठहर जाओ थोड़ी देर, बहुत बारिश हो रही है। नहीं, मुझे जाना ही चाहिए, वो मेरी राह देख रही होगी। बड़ी बहू, ए बड़ी बहू, क्यों जा रहा? बच्चे को तो ले आ, भगवान के तेरा दर्शन ही करवा दो। अच्छा
निरंजन वो देख पेड़ पर। विनोद विनोद विनोदिनी जिंदा है। विनोद बड़ी बहू बड़ी बहू। विनोद बच्चा कहाँ है? दीदी दीदी पगली कहीं तुझे तो बच्चा पालना भी नहीं आता। ला मुझे दे। उठो विनोद। क्यों दयाल दादा तुम्हारे यहाँ तो सब अच्छी तरह से हैं। मेरे यहाँ सब मेरा कोई था। गंगा की माँ मेरा बच्चा मेरा घर सब समंदर हो गया। प्रधान सब समंदर हो गया। चावल दे दो। बस पांच से और क्या? पांच मन दो चार दिन में किसी भाव भी नहीं मिलेगा। जानते हो सरकार कंट्रोल लगाने वाली है। मैं अपना सारा अनाज कलकत्ते भेज रहा हूँ। जो कुछ लेना है वो आज कल में ले लो। आओ बैठो निरंजन। कैसे आए हो? चावल दो। तो क्या लाए हो आपके? अब हमारे पास देने के लिए रही क्या गया है? जेवर गहना बर्तन सब तो तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं। तो जमीन बेच डालो ना। जमीन? हाँ जमीन नहीं तो जेवर, जेवर नहीं तो जमीन, कुछ तो लाओ। और क्या मैं धान मुफ्ती में दे दूं? बाप रे बाप। नहीं तुम मुफ्त में क्यों देने लगे? मुनीम जी जरा आपको तो तीन तोले होंगे तो दो सेर धान दिलवा दो। दो सेर धान? दो सेर धान के वास्ते भैया ने घर की हर चीज बेच डाली। बस अब हमारी इज्जत आबरू ही रह गई है। इनका बस चले तो इसको भी बाजार में बेच आए। तुम धीरज रखो, इतने परेशान क्यों होते हो? परेशान ना हूँ, तुम्हारा सारा जेवर बिक गया। एक कंगन रह गया था वो भी आज बनिए के पास पहुँच गया है। सुहाग की एक निशानी भी न रही तुम्हारे पास। मेरा सुहाग जेवर गहने से नहीं तुमसे। राधिका लक्ष्मी लक्ष्मी को क्या हो गया? गाय मिली वो भी इतनी मरी। जमींदार साहब कहेंगे ये क्या लिया है। अरे आप इसी को ले चलो और इनके घर में धराए क्या है? खबरदार जो लक्ष्मी को हाथ लगाया। आया बड़ा लक्ष्मी वाला, दो साल से तो लगा नहीं दिया और उसको बोलता है जैसे लाख साहब हो। देखता हूँ कौन ले जाता है हमारी गाय को, खून का डालूंगा। रहने दे, अब ये गाय जमींदार साहब की हो चुकी। गाय बड़ी अड़ियल है। चलती कैसी नहीं, अभी एक रसीद करता हूँ। रामू क्यों गोहत्या करवाता है? जब तक तू नहीं कहेगा लक्ष्मी नहीं जाएगी। ठहरो,
जा लक्ष्मी जा, आज बच्चे अपनी माँ को भी नहीं बचा सकते। सुना है हमारे दादा के वक्त में इस अकाल पड़ा था। ये अकाल नहीं है बाबा, धान की कमी नहीं है। महाजन और जमींदार के गोला घरों में अभी सैकड़ों मन धान भरा पड़ा है। बात इतनी है कि हमें दो दाने नहीं मिल सकते। बहुत बुरा समय आया है, बहुत बुरा समय आया है। कौन रोता है? फजलू तेली गुजर गया है। क्या हुआ था उसको? मैं बताऊं क्या हुआ था उसको? 6 दिन से उसके पेट में कुछ नहीं गया था। वो भूख से मरा है, भूख से, जिससे हम सब मर जाएंगे। मैं, तुम, बाबा, माँ, सब, हमारा बच्चा। बहकी हुई बातें मत करो। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहा। है क्यों नहीं, मगर तुम बेचते नहीं हो। क्या क्या बेटा? जमीन। जमीन? जमीन, हाँ जमीन। सब अपनी जमीन बेच रहे हैं, हम भी क्यों ना बेच दें? उसको बेच दें जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, जिसकी गोद में खेल कूद कर जवान हुए। जमीन हमारी माँ है रामू, हम सब की माँ। जमीन नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मजदूरी करके, भीख मांग कर, मगर जमीन नहीं बेचेंगे। मैं भीख नहीं मांगूंगा बाबा, जमीन में मेरा हिस्सा भी है। बंटवारा कर दो, मैं अपनी जमीन आज ही बेचूंगा। जमीन न तेरी है, न मेरी, न बाबा की, उसको कोई नहीं बेच सकता। जमीन न हुई, मंदिर की मूर्ति हो गई। और आजकल तो मंदिर की मूर्तियां भी बाजारों में बिक रही हैं। तुम बैठे हो उन मिट्टी के ढेरों को पूजने। जमीन मंदिर की मूर्तियों से भी ज्यादा पवित्र है। इस मिट्टी में हमारी लाज है, हमारा जीवन है। इसके बगैर हम जी नहीं सकते। ये मट्टी सोने के मोल भी नहीं बिक सकती। तुम बैठे इस मट्टी को चाटा करो, चाहे घर की आबरू भी मट्टी मिल जाए। जमीन न बेचने पर मुझे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे को बेच के खा जाना। तेरी ये मजाल। अपने छोटे भाई पर हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं आती? सब बिक जाएगा एक दिन, सब बिक जाएगा, सब बिक जाएगा। के दिन आई
सरकार सलाम। कहो प्रधान, कैसे हो? क्यों रमजान? कृपा है हजूर की। खेत पर नहीं जाते आजकल? बीज ही नहीं है सरकार, तो बोएंगे क्या? तो जमीन बेकार पड़ी है जी, तो बेच क्यों नहीं देते? आपकी कृपा रही तो बेच ही देंगे एक दिन सरकार। कहाँ जाती है छोकरी? अरे हमसे क्या शर्म? कौन है तुम्हारी बेटी? बेटी ही समझ लो सरकार, रामू की बहू। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो रामू कहाँ है? क्या बताऊँ सरकार, भाई से लड़कर शहर चला गया। छी 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 छी, आजकल के लौंडे एक बार शहर चले जाएं तो फिर कब लौटते हैं? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, खूब याद आया तुम्हारी जमीन के बारे में। भाई बड़ी बंजर जमीन है, फिर भी तुम चाहो तो खरीद सकता हूँ। मतलब तो तुम्हारी मदद करने से है। जमींदार साहब, हमारी जमीन बिकाऊ नहीं है। सरकार, ये मेरा बड़ा बेटा निरंजन। निरंजन कैसा है? कई बरस हुए देखा था, तब इतना लंबा नहीं हुआ था। जी हाँ, मैंने भी आपको जब ही देखा था तब आप इतने मोटे नहीं हुए थे। लंबा भी हो गया है और जबान भी लंबी हो गई। तो भाई मैं कब जमीन खरीदना चाहता हूँ? इतनी जमीन का क्या मुझे अचार डालना है? मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा था, मगर जमीन नहीं बेचोगे तो खाओगे क्या? घास फूस पत्ते जो कुछ मिलेगा खाएंगे, पर जमीन नहीं बेचेंगे। ये सब कहाँ से लाए हो? रमजान चाचा के खेत के पास जो पेड़ हैं, वहीं ये सब लगा हुआ है। रमजान का खेत? इसका कोई खेत नहीं है, ये तो कब का अपनी जमीन बेच चुका। वो जमीन अब मेरी है, वहां से फल फूल तोड़कर लाओगे तो उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। रमजान चाचा और अपनी जमीन बेचते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खुद इसी से पूछ लो ना। क्यों रमजान, ये बात ठीक है? हाँ भाई, वो जमीन तो कब की जमींदार साहब की हो चुकी। मैं क्या कहता था, देखो मुखिया, अपनी जमीन के बारे में सोच लेना। और निरंजन, ये घास फूस के बारे में तो मैं ऐसे ही कह रहा था, मगर ये अला बला खाते क्यों हो? मेरे बाग में बतेरी सब्जी होती है, सुबह सवेरे नहीं तो शाम को सूरज ढले राधिका को यहाँ भेज दिया करो, वो जितनी सब्जी चाहे ले आया करेगी। क्यों जमींदार साहब, हमारी जमीन पर तो तुम्हारी आंखें थी ही, अब हमारी औरतों की लाज पर भी हाथ डालने लगे? लाज का बड़ा ख्याल है तुम्हारे बेटे को मुखिया, दो दो आने में बिक रही है आजकल बाजार में, समझे? समझा। हमारी बेटियों के हाथ डालता है बेईमान। निरंजन, निरंजन सरकार मार पड़ा पूरी तरह, कहीं मर न जाए। आपस में लड़ लड़ कर ये हर रोज मरा करते हैं, हम क्या करें? चलो आओ।
اے رحیم اے کریم اپنے گناہگار بندے پر رحم کر, اس کے ہمسایوں اور اس کے گاؤں والوں پر رحم کر. تو نے عزیز کی ماں کو اس دنیا سے اٹھا لیا, مجھے اس کی شکایت نہیں. تیرے ہر کام میں مصلحت ہے پروردگار. رحیمن بہت بیمار ہے, اس کو شفا دے اور میرے بچوں پر رحم کر. اس غریبی میں میری لاج رکھ لے پروردگار. رحیمن بھوک لگی ہے؟ اب مجھے بھوک نہیں لگتی پر ہاں کیا چاہیے تجھے؟ کہیں سے ایک صاف کپڑا مل جاتا تو پاک ہو کر نماز پڑھ لیتی اور گناہ بخشوانے کے لیے دعا مانگ لیتی. روز نماز پڑھتے ہو, روز دعا مانگتے ہو, مگر میں کہتا ہوں کیا ہوتا ہے اس سے, ایک مٹھی چاول بھی نہیں ملتا. یہ کال ہمارے گناہوں کی سزا ہے عزیز. ہمارے گناہوں کی سزا اور زمیندار کے گناہوں کی سزا جس نے نرنجن کو مار مار کر ادھما کر ڈالا, اور کالی دن مہاجن کے گناہوں کی سزا جس نے ہزاروں من دھان چرا کر رکھ چھوڑے ہیں. یا صرف ہم کسانی گنہگار ہیں اور یہ سب بے گناہ؟ آخر ہماری ماں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ وہ ایک نوالے کو ترستی ہوئی مر گئی؟ تمہاری بہو نے کون سا گناہ کیا ہے کہ وہ بھوکی چھسک چھسک کر مر رہی ہے؟ تمہاری بیٹی سکینہ نے, بھیا اتنی زور سے تو نہ بولو کہ پردھان کاکا کی آواز جائے. پردھان کاکا تمہارے تو بڑے دوست بنتے ہیں, کیوں نہیں کہتے ان سے کہ دو چار سیر دھان ادھاری دے دیں؟ اگر مکھیا کے پاس دھان ہوتے تو وہ بے کہے ہمیں دے دیتا. انہوں نے کہا اور تم نے یقین کر لیا, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور پھر بھی وہ اپنی زمین نہ بیچتے. ان لوگوں کو تم کیا جانو, کوٹھے بھر رکھے ہیں اناج کے انہوں نے. بھیا تم کالی دھن کے گناہوں کا دوش پردھان کاکا کو کیوں دیتے ہو؟ اس لیے کہ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. میں ابھی جا کر تلاشی لیتا ہوں, سچ جھوٹ سب معلوم ہو جائے گا. عزیز کہیں کوئی بیوقوفی نہ کر بیٹھنا, ٹھہرو میں بھی آتا ہوں. لو ابھی پتا چل جاتا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا. کیا بک رہا ہے؟ کیا بک رہا ہوں؟ یہی بک رہا ہوں کہ وہاں رحیمن بھوکی مر رہی ہے اور یہاں بھات پک رہا. اگر اسی کا نام دوستی ہے تو تھو ہے اس پر, تھو تھو تھو. مریض بیٹا یہ ہنڈیا کھل کر کیوں ہماری لاش کو بٹا لگاتا ہے؟ آدیس بیٹا میں تم سے کہتی ہوں اس ہنڈیا میں بھات نہیں ہے. ابھی معلوم ہوا جاتا ہے. عزیز کیوں آج تمہاری مہمانی ہے ہمارے یہاں؟ پردھان کاکا مجھے معاف کر دو. کوئی بات نہیں بیٹا, سمے ہی ہے. سب چیز بسط باندھ لی. باندھ لی باندھنے کے لیے رہی کیا گیا ہے؟ ارے اب اٹھ بیٹھ, منحوس کہیں کی, اس حال میں بھی کیا مزے سے سو رہی ہے. ارے رہنے دے, جتنا سو لے اچھا ہے. پر نیند بھی تو ہمیشہ نہیں آتی, بیچ بیچ میں ٹوٹ بھی جاتی ہے, یہی تو مشکل ہے. پھر اس نے چلانا شروع کیا, چپ رہے بے چپ رہے, ہر گھڑی پے پے. دیکھا کھا کر ان کتوں کو جیسے بھوت چمٹ گئے ہوں, کیسے بھیانک آواز نکلتے ہیں. یہ یمراج کے پہرے دار ہیں رامو کی ماں, گاؤں خالی کروانے آئے ہیں. کہتے ہیں جاؤ شہر کی سڑکوں پر بھیک مانگو,
और मांगते मांगते जब थक कर गिर पड़ोगे, हम तुम्हें पैरों से घसीट कर यमराज के पास ले चलेंगे। नरक के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए, नरक के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। फजूल बातें मत करो बाबा। सुना है शहर में खिचड़ी बांटते हैं, गरम गरम खिचड़ी। हे भगवान, बस एक बार हमें शहर पहुंचा दे। उठो, दिन निकलने वाला है, अब चल देना चाहिए। मैं आ गया प्रधान, आ गया मैं। बैठे रमजान, अब बैठना बिठाना कैसा। चलो, अब खाक छानने का वक्त आ गया है। बहू का क्या करोगे? अजीज कहता है कंधे पे उठा लूंगा, देखें कौन किसका कहां तक साथ देता है। चलो अब देर ना करो। बैल को भी साथ ले लो। बाहर बैठा है, रोज यूं ही बैठा रहता है। निरंजन, जरा आवाज दे उसको। बैल काका, बैल काका। चारों तरफ यमराज के दूध भी चल रहे हैं और तू नाम लेकर पुकारता है, पागल। गृहस्थों, इस भूतों की नगरी में मत ठहरो, जाओ बाहर चले जाओ, सड़कों पर, मैदानों में, मगर यहाँ मत ठहरो, यहाँ मत ठहरो। अगला ठीक कहता है। अब समंदर प्रधान सड़कों पर फिरेगा, भीख मांगेगा। रमजान, हमें भीख मांगने होगी। हमारे नसीब। जब तक घर में आ गई तो घर भी सड़क पर आ गया। क्यों, कैसी कही? चलो दयाल काका, चलो चलो, अब चले। चलो चलो, देर न करे, चलो चलो। देखा आपने, ये सब शहर जा रहे हैं। हाँ, और मेरा अनाज भी शहर जा रहा है।
बाबा गेंदा बाबा। गेंदा माँ मागो, गेंदा माँ मागो। या अल्लाह तेरे घर में तो जुओं की फौज है। फौज यहाँ जब से आए हैं न जाने इतनी खुजली क्यों होती है। मारो मारो बाबूजी। एक पैसा भगवान के नाम पर बाबूजी। अरे आजकल पैसा कहाँ है बाजार में। क्यों कहाँ से आए हो। अमीनपुर से बाबूजी। अमीनपुर भूल गए इतनी जल्दी। 12 रुपए मन बेचो मुखिया बेचो। हा? क्या कहा। बाबा कुछ खाने तो दो बाबा। 5,000 मन का सरकारी ऑर्डर आया हिंदुस्तान से बाहर भेजना। 30 रुपए मन दे दे। नहीं 30 रुपए नहीं 40 रुपए मन। और सुनो भाव सबके लिए एक है। हाँ हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। 40 रुपए मन नहीं एक पाई कम नहीं। कौन बिहारी। जरूर खरीदो। कितना मिल सकता है। 400 मन इससे क्या होगा। है खरीद लो। ये और अमीनपुर से 550 मन भेजा है कालीजन महाजन ने और मिला भी है सस्ता 22 रुपये मन। गोदाम में भरवा दो। नमस्ते सेठ साहब। तुम आ गए कहाँ रहे इतने दिन। अजी क्या बताऊं जरा एक नया धंधा शुरू किया है इससे फुर्सत ही नहीं मिलती। कहिए क्या हुक्म है। नया धन आया है और भाव भी जोरों से ऊपर जा रहा है। अगर 30 रुपए मन भी बेचें तो। नहीं 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 30 रुपए मन नहीं 40 रुपए मन। बिल्कुल ठीक है सरकार। मैं तो कहता हूँ कि 40 रुपए मन भी सस्ता है लोग हाथों हाथ लेंगे। चावल की तलाश में आजकल सब दीवाने हो रहे हैं दीवाने। सुनते हैं इंसान पहले बंदर था अब तरक्की करते करते कुत्ता हो गया है। कुत्ता ये मोहल्ला भी सूख गया। आओ कहीं और चले। 39 40। ए पगले क्या गिनता है। अंधों की गिनती करता हूँ जिनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं। बहरों की गिनती करता हूँ जिनके कान हैं मगर सुनते नहीं। 40 ए पगले क्या गिनता है। अंधों की गिनती करता हूँ जिनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं। बहरों की गिनती करता हूँ जिनके कान हैं मगर सुनते नहीं। 41 41। जिनका हाल सुना
जबां पर ताल डालो, अब न जबां पर ताल डालो, जी का हाल सुनाने दो, जी का हाल सुनाने दो, अब न जबां पर सामने खुद हमारे मकान के बाहर हजारों सीसक सीसक कर जान दे रहे हैं और उनकी मात के आप जिम्मेदार है। आप कॉलेज में पढ़ के बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, औरों की तरह तुम भी यही समझती हो कि पब्लिक को हम लूटते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, अगर पहले से हम धान जमा ना करते तो आज के दिन एक भी दाना ना मिलता। लोग भूखे मर रहे हैं तो मुझे अफसोस है, उनके साथ हमदर्दी भी है। अगर चाहो तो कुछ उनके लिए चंदा ले जाओ, मैं 1001 रुपए का चेक लिख देता हूँ। इन भूखों का पेट भरने के लिए चांदी के टुकड़े नहीं, चावल चाहिए। चावल? चावल तो सिर्फ बाजार के भाव से मिलेगा, 40 रुपए मन। क्यों? चूड़ियों से चिढ़ती हो या विधवा हो?
यार, तुझे रिक्शा वाले मालिक ने निकाल दिया तो रोता क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए। तू क्या घोड़ा है जो गाड़ी खींचता फिरे? घोड़ा? अरे हमसे तो घोड़े बहुत अच्छे। कभी रेस का घोड़ा देखा है? और घोड़ों पर आदमी चढ़ते हैं, रेस का घोड़ा आदमी पर सवार रहता है, जैसे हम मजदूरों पर मालिक। फिर उसने मुझे मारा क्यों? मुझे, रामू को। जानता है मेरा बाप गांव का मुखिया है? मुखिया हाँ, सब उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। हम अपने गांव में कितने खुश थे, बापू, रमजान चाचा, दयाल काका। तू दयाल काका को नहीं जानता, बड़े अच्छे आदमी है। उन्होंने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया है। हाँ, तू क्या समझता है मैं किताब पढ़ सकता हूँ? पास में पेड़, जैसे हमारे आंगन में इमली का पेड़। पास में प्रेम भी तो होता है। मैंने राधिका से कहा तो शर्मा गई, कहने हटो, शर्म नहीं आती। राधिका, अबे नशे में क्या भग रहा है? कौन राधिका? मेरी बीवी। गांव की लड़कियों में सबसे सुंदर है। मैं उससे कहकर आया था तेरे लिए रुपए कमा कर भेजूंगा। रुपए तो नहीं है, बोतल भेज सकता हूँ। ये दूध की बोतल है ना, ये दूध मेरा बच्चा पिएगा। मेरा बच्चा। कहो तो नानी को किसी को दे दे। पागल हुई है क्या? तो तुम ही बताओ फिर क्या करूं? इसको मरते तो देख नहीं सकती। निराश ना हो, वो गए हैं, कहीं ना कहीं से जरूर दूध लेकर आएंगे। और अगर नहीं मिला तो? दीदी, दीदी, तू क्या है? ये सीटी की आवाज, इसे डर लगता है। ए, लाइन मत तोड़ो। बाबूजी, मुझे दूध चाहिए। बाबूजी, बस पाव भर, हमारे पास दूध बहुत कम है, हम सिर्फ बच्चों को दे सकते हैं, मुझे भी बुरा नहीं पड़ता। मुझे भी बच्चे के लिए चाहिए बाबूजी, सच कहता हूँ। ठीक होगा, तुम्हें बच्चे को यहाँ लाना होगा। देखता हूँ मुझे। अरे ये तुमने क्या किया? इस दूध से कितने ही बच्चों की जान बच सकती थी। मुझे क्षमा करो बाबूजी, मेरे होश ठिकाने नहीं। मेरा साल भर का भतीजा भूख से मर रहा है, अब वो नहीं बचेगा। अच्छा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रहमान, तुम मेरी जगह पर काम देखते रहना, मैं अभी आता हूं। चलो भाई आओ। तुम देवता हो बाबूजी। नहीं भाई, मैं तो सिर्फ इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बला भी दूर हुई, नाक में दम कर रखा था।
शुक्र है तेरा परवरदिगार। रामू की माँ, अरे ओ रामू की माँ, सूरज सर पे चढ़ा आया, क्या दोपहर को उठेगी? नन्हे का क्या हाल है? राधिका, ये तूने क्या किया? अरे ये बोतल कहाँ से आई है? दूध भी भरा हुआ है, क्यों रे राधिका? तूने बस, भी बस माँ, चुप रहो। ये बोतल और दूध मैं एक बाबू के यहाँ से लाई हूँ। हाँ हाँ, जवान हो तभी तुम लोगों को सब कुछ मिल जाता है, हमें तो कोई सूखे टुकड़ा भी नहीं देता। न जाने कितने दिन हो गए दूध पिए हुए, बस जिस दिन जमींदार के आदमी लक्ष्मी को ले गए हैं, वो दिन और आज का दिन, मैं तो ये भी भूल गई कि दूध का मजा कैसा होता है। अरे इतना मत पिला, उसको उल्टी हो जाएगी। माँ दूध अच्छा है। रानी की माँ, कुतिया, जी नहीं किटी नहीं, मेरा नाम है साधना, साधना घोष। देखिए मिस घोष, मुझे तो जलसों और तमाशों में जाने की बिल्कुल फुर्सत नहीं। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। क्या कहा? स्टील शेयर्स का भाव 5 पॉइंट और बढ़ गया, कोई परवाह नहीं, खरीदे जाओ, अभी तो लड़ाई कई साल और चलने वाली है। हाँ देखा आपने। खैर आपकी ये चैरिटी शो के टिकट कितने कितने के हैं? 50-50 रुपए के, लेकिन आपके लिए कोई कैद नहीं, आप जितना भी चाहें ज्यादा दे सकते हैं। बहुत अच्छा है। ये लीजिए 200 रुपए। थैंक यू। जब आप ग्रैंड होटल में शो कर रही हैं तो रिलीफ के लिए काफी रकम हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कम से कम 10,000 रुपए। पर खर्चा भी कम ना होगा, कम से कम 9,000। मगर ये रकम किसी ऐसी वैसे रिलीफ कमेटी को ना दे दीजिए जो हम लोगों को बदनाम करना ही अपना रिलीफ का काम समझते हैं। फिक्र न कीजिए, खर्चा इतना बढ़ गया है कि मुझे डर है रिलीफ कमेटी को कुछ मिलेगा भी या नहीं। नमस्ते निरंजन, कहाँ रहे दिन भर? 100 बार कहा आराम करो मगर तुम्हारे पांव में चक्कर है। अपने घर वालों को ढूंढने गया था बाबूजी। तो कुछ पता चला? हाँ। मगर तुम इतने परेशान क्यों हो? बैठो बैठो। मेरा बाप मर रहा है, मेरे छोटे भाई की बीवी अपनी लाज बेच चुकी है अपने इकलौते बच्चे की जान बचाने के लिए। माँ, माँ को भूख ने इंसान से जानवर बना दिया है, ये सब मुझसे नहीं देखा जाता, ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। मैं उनको छोड़कर यहाँ भाग आया, पर यहाँ ठहरने से भी कुछ फायदा नहीं। तुम शहर के शरीफ आदमी ठहरे, अपने कामकाज में लगे रहते हो, मैं क्या करूं? शंभू दादा तुम ही बताओ, क्या ऐसा न्याय इस बीमारी इस मौत का कोई इलाज नहीं? इसका इलाज हमारी जनता की जागृति है, हमारी एकता है। हाँ मगर ये सब उस वक्त होगा जब बंगाल के करोड़ों आदमी भूख से मर चुके होंगे, जब बंगाल की सब औरतें अपनी आबरू बेच चुकी होंगी। नहीं निरंजन, हिम्मत ना हारो, तुम तो किसान हो, किसान सारी दुनिया की अन्नदाता। सारी दुनिया तो अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, न कोई हमारी बिपता देखता है, न कोई हमारी फरियाद सुनता है। ऐसा मत कहो, काफी ना सही मगर काम हो रहा है, खुद तुम्हारे दुश्मनों के घरानों में तुम्हारे सेवक पैदा हो रहे हैं। इन औरतों की तरफ देखो, इन्होंने मौत से हार नहीं मानी, और तुम तो मर्द हो मर्द, फिर किसान। किसान की खेती धूप में जल जाती है, नदी के बहाव में डूब जाती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। क्या करें शंभू दादा,
भूख और बीमारी ने हमारी आत्मा को कुचल डाला है। तुम सच कहते हो, हमें मदद की जरूरत है। जब भूखे बंगाल की आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचेगी तो हमारे बहन भाई हमारी मदद को जरूर आएंगे। इस आवाज को उन तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। सुनो, तुम हंस क्यों रहे थे? हंस रहे थे? हाँ,
की तरह। जब से बादल आए हैं आसमान की तरफ देखते हैं और हंसते हैं। जरा पूछ उनसे बेटा। बापू बापू। कौन कौन? मैं हूँ निरंजन। निरंजन निरंजन आ गए बेटा। आ गया मैं। बड़ी अच्छी खबर है बापू। हमारी विपता से सारे देश में हलचल मच गई है। सारे देश में अब हम अकेले नहीं हैं। तुम बच जाओगे बापू। रामू की माँ, रामू की माँ। मुखिया कुछ कहना चाहते हो? वो देखो बादल, अब खेत में हरियाली आ जाएगी। खेत धान, कितना धान। बाबा क्या सपना देख रहे हो? मैं तू रामू सब धान को काट काट कर रख रहे हैं। सब धान को रमदान आदिज सब गांव वाले। कितना धान, कितना बहुत धान। रामू की माँ निरंजन, रामू कहाँ है? कहाँ है सब? ये रहा निरंजन, क्यों क्या कहते हो? रामू की माँ निरंजन, तुम सब घर वापस चले जाओ। लौट जाओ रे निरंजन, घर लौट जाओ। रमजान तुम भी घर लौट जाओ। मेरे बैल, मेरा हल फिर से जोर से कम जोर से चलाना। सोना फलेगा, सोना फलेगा। रामू की माँ, रामू की माँ। चले गए मुखिया। जरूर फलेगा। शंभू दादा, तुम्हारा किस मुंह से धन्यवाद करें? तुमने हमारी मदद ही नहीं की, हमें रास्ता दिखाया, शक्ति दी। अरे नहीं भाई, रास्ता दिखाया नहीं, सिर्फ याद दिलाया कि तुम्हारा ही रास्ता है, शक्ति भी तुम्हारी है। तुम्हें किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी मदद की जरूरत है। दीदी, इसे अपना ही बच्चा समझना दीदी। बड़ा हो जाए तो लिखना पढ़ना सिखाना, और अगर अपनी माँ को कभी पूछे तो कहना तेरी माँ काल में मर गई। पर तू यहाँ रहेगी कैसे? कहाँ रहेगी? रह लूंगी, रह लूंगी। जाओ दीदी, जाओ जाओ। बाबूजी, तीन दिन से भूखा हूँ। भूखा है तो लंगर खाने में क्यों नहीं जाता? लंगर खाने सब बंद हो गए बाबूजी, कहते हैं काल खत्म हो गया। मैं भिखारी नहीं हूँ, पर क्या करूँ, कहीं काम नहीं मिलता। काम करेगा? हाँ बाबूजी, जो काम बता। तो एक औरत ला दे, तेरा जवान सी। औरत लाओ कहीं से औरत। आजकल बाजार में सिर्फ दो ही चीज बिकाऊ है, चावल और औरत। लाओ औरत।
औरत लाओ, 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 एक रुपया मिलेगा, बारह ने तुझे, चार ने मुझे। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? एक रुपया मिलेगा, एक रुपया, बारह ने तुझे, चार ने मुझे। राधिका, मुझे क्षमा कर राधिका, मैं सीधा नरक में जा रहा था। मैं तो पहले ही नरक में जा चुकी हूँ राधिका। तुम लोगों पर क्या गुजरी? और सब कहाँ है? क्या वो भी कलकत्ते आए थे? सब आए थे बापू, तो यही चल बसे। बापू चल दिए, और सब? वापस चले गए, कितने ही महीना हुए। और नन्ना? नन्ना जिंदा है दीदी के पास, मैंने उसे तो बचा लिया। फिर मिट्टी खा रहे हो? मिट्टी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, और धारा ही क्या है यहाँ। चलो गांव वापस चलो, वहाँ की मिट्टी में हमारे जीवन है, जीवन है। अरे ओ निरंजन, घर पर हो? कौन? रायचरण दादा, आओ। बस सिर्फ पांच आदमी आते हैं? सब आते हैं, मैं रमजान दादा को भी कह आया हूँ, आज सरपंच उन्हीं को बनाना है। हाँ भाई, तो सुनो, तो खुदा तुम्हारा भला करे, आने को तो हम अपने गांव वापस आ गए, लेकिन हमारे पास न बैल हैं, न बीज, न हल। कई तो ऐसे हैं जो अपनी जमीन भी खो बैठे हैं। यही हाल रहा तो फसल कैसे होगी? यही दिन है फसल बोने के। रमजान दादा, हम कर ही क्या सकते हैं? सच पूछो तो हमारी कमर टूट चुकी है। अगर साहूकार थोड़ा थोड़ा रुपया दाधन दे दे तो, और जमींदार साहब कृपा करके लगान माफ कर दे। जमींदार और कृपा, साहूकार और दया, तुम चाहते हो हम उन्हीं के पैरों में पड़कर भीख मांगे जिनकी वजह से आज हमारी ये दशा हुई है। हाँ, ये भी एक रास्ता है, पर क्या हम अपनी नजर आकाश पर डालने की बजाय जमीन पर नहीं डाल सकते? क्या हम अपने दुश्मनों पर भरोसा करने की बजाय अपने एके पर भरोसा नहीं कर सकते? तो फिर तुम क्या चाहते हो निरंजन बेटा? हम बुद्धों की अकल तो अब काम नहीं करती। बात जरा अनोखी है, न जाने तुम सबको कैसी लगे। ऐसी बात तो हमने आज ही सुनी है। निरंजन, अपनी खेती तो आदमी आप ही संभालता है, आज ही दूसरों को क्या भरोसा? भाई सब एक साथ ना बोलो। हाँ बेटा, क्या नाम लिया तुमने? कौन सी खेती? साझे की खेती। मत बल ये कि सब मिलकर हल चलाएं, बीज बोएं, पानी दें, फसल काटें, है ना? हाँ हाँ, जो कुछ पास है, हल बैल वगैरह, वो सबके काम आएगा। और फिर जब फसल तैयार हो गई तो बराबर बराबर बंटवारा भी हो जाएगा, न कोई जमीन खाली पड़ी रहेगी और न कोई भूखा रहेगा। वाह जी वाह, जो काम करे वो और जो मक्खियां मारे वो, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा। हाँ, फिर तो
बेकार बैठने में फायदा है? जो बेकार बैठेगा हम उसकी जमीन पर काम नहीं करेंगे। साजे की खेती, मैं मोहन के साजे में क्यों खेती करूं? पूछो इससे, पिछली फसल पर जब मेरा बेटा बीमार था इसने मेरा हाथ बढ़ाया था। जाओ जाओ, मैं कब तुम्हारा साजी बनना चाहता हूँ? जब मेरा बैल मर गया था तुमने कौन सा अपना बैल मुझे दे दिया था? मेरी मानो तो ऐसी बात का फैसला जल्दी में नहीं हो सकता। ना भाई ना, हमें तो सिरे से मंजूर ही नहीं। कोई और रास्ता निकालो निरंजन बेटा, तुम तो हमारे हजारों बरस की नियम को ढाना चाहते हो। काका, और कोई रास्ता नहीं। अब मेरे लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। नहीं राधिका, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। हम दोनों पाप के एक ही गड्ढे में गिरे हैं, पर तूने जो कुछ किया उसका दोष मुझ पर है। अगर तू गांव नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, पर उन सबकी तरफ से चिंता है, न जाने वो जिंदा भी है या मर। बलहरी हरि बोल, 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 हरि बोल। यही एक रास्ता है, मौत का रास्ता। मैं तो मर ही चुका हूं, तुम सब भी मर जाओगे अगर अलग अलग रहोगे। बचना चाहते हो तो एक हो जाओ, एक। हाय परमेश्वर, ऊपर की तरफ देख देख कर तो हम किसानों की गर्दन ऐट गई है। तो फिर बोलो, साझे की खेती या काल और भूख और मौत? जो कुछ हम पर गुजर रहा है साझे की खेती में इससे बुरी हालत तो नहीं हो सकती। तो तुम क्या कहते हो अब्बा? निरंजन ठीक कहता है, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। रमजान दादा वाफी कहे तो मैं भी तैयार हूँ। बोल भाई नूरू, तू क्या कहता है? तू क्या समझता है, तू साझे की खेती करेगा और मैं बैठा रहूंगा? हाँ वो बैल की बात। अरे रहने देना, अब तो साथ ही बीज बोना है, साथ ही कटाई करना है। जिसका एक नहीं उसके अनेक। अच्छा बच्चों, आज कौन सा सबक पढ़ोगे? हमारा क्या? बिल्कुल रामू की सूरत, वही आवाज। अच्छा बच्चों, पढ़ो। हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंदुस्तान हमारा देश है, ये खेत मेरा है, ये खेत मेरा है, ये खेत तेरा है, ये खेत तेरा है, हम सब मिलकर, हम सब मिलकर एक बड़ा खेत बनाएंगे, एक बड़ा खेत बनाएंगे, जो न तेरा होगा, जो न तेरा होगा, न मेरा, न मेरा, हम सब का होगा, हम सब का होगा। सुना तूने, अभी अपने गांव का एक आदमी मिला था, वो कहता है वहाँ सब मिलकर सब अच्छी तरह। हाँ हाँ, सब माँ भैया दीदी और नन्ना, वो भी अच्छा है, पर मैं कुछ और ही कह रहा हूँ। अमीनपुर के किसान सब मिलकर साझे की खेती कर रहे हैं, समझी? वहाँ एक नया जीवन शुरू हो रहा है, अब हमें वापस चलना चाहिए। राधिका तुम चले जाओ, पर मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। नहीं राधिका, ऐसा मत कह, सोच तो सही, युग बदल रहा है। सुबह सवेरे सारे गांव के किसान अपने कांधों पर हल उठाए खेतों को जाते होंगे, सब मिलकर अपने बड़े खेत में हल चलाएंगे। सब मिलकर बीज बोएंगे, आहा 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 आहा।
मिलकर धान काटेंगे, नमन्ना का त्यौहार मनाएंगे। क्या तभी हम वापस नहीं जाएंगे? हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। बताऊं इस जग में बड़ा लूट रवा एक हुए बिन काम न चली है एक हुए बिन काम न चली है सुनो किसान मजदूरा हो मालिक और महाजन लूटे मालिक और महाजन लूटे और लूटे अनचरवा हो किकरा किकरा नाम बताओ इस जग में बड़ा लूटेरवा हो किकरा किकरा नाम जुल्म सितम का नाम मिटाओ जुल्म सितम का नाम मिटाओ एक हो के सब भैया हो किकरा किकरा नाम तो नहीं हो ठीक है दुनिया ने हमें भुला दिया गांव वाले भी हमें भूल जाएं तो अच्छा है नहीं ऐसा मत कहो हमारे गांव वाले
हमारे देश वाले हमें कभी नहीं भुला सकते। हम दो नहीं हैं, दो करोड़ हैं, जो भूखे मर गए, घर से बेघर हो गए, अबरू लाज इंसानियत खो बैठे। जब तक हमारा देश गुलामी और भूख से आजाद नहीं होगा, हमारी याद ज्वाला बनकर उनके दिनों में जलती रहेगी, जलती रहेगी। बढ़ता जा कहीं थमे ना नैया तेरी भैया, तूफानों से लड़ता ही जा, जब लग है प्राण बढ़ता ही जा, टूटे कभी ना आसरे तेरी, थम न मौत का नाम, बढ़ता जा कहीं थमे ना नैया तेरी भैया, बढ़ता जा।